हेलो एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लर्निंग एम्पायर वीर यू विल गेट एवरीथिंग इन द इजिएस्ट वे दैट यू कॉन्ट इवन इमेजिन सो फ्रेंड्स वी हैव कम्पलीट इन द एशंट इंडिया चैप्टर्स हमने सारा एंशंट इंडिया कवर कर लिया है तो इसके अलावा यू वॉन्ट सी एनी थिंग इन 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 द एग्जाम्स सो आप उसको अच्छे से डट लीजिए अच्छे से समझ लीजिए देर वॉज नथिंग हार्ड एट ऑल अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज से मिरावल इंडिया मिरावल इंडिया कब से शुरू हुई है सेवन सेंचुरी एटी टू सेवनटीन जीरो सेवन तक ठीक है इसमें ज़्यादातर आपको दिखेंगे दिल्ली सल्तनत ओके एंड मीन्स ऑल द ऑल द रूलर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड ओके तो शुरू करते हैं दिस इज़ कॉमन सो लेसटार्स थर्टी टू में प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी प्रॉफिट मोहम्मद क्या है अब हम ये समझेंगे प्रॉफिट मोहम्मद का मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद जो थे एक कैलिफ़ माने जाते थे कैलिफ़ क्या थे कि एक रिलीजियस पोस्ट होती है इस्लाम के लिए जैसे हमने पोप के बारे में सुना है पोप फ्रांसिस जो वेटिकन सिटी में है जैसे कि वो जितने भी कैथलिक्स हैं उनके सबसे बड़े जैसे प्रीस्ट हैं ऐसे हैं तो ऐसे कैलिफ़ को भी सबसे बड़ा माना जाता है इस्लाम धर्म के अंदर ठीक है कैलिफ का मतलब जैसे कि किंग ऑफ ऑल किंग्स या फिर सुल्तान ओके इन ऑर्डर टू मीट द पोलिटिकल आइडियलॉजी इन्फ्लुंस ईधर इन फेवर ऑफ़ द आइडियोलॉजी और अगेंस्ट कंटिन्यूट वार्स मतलब कि कंटिन्यूट वार्स स्टार्ट होते गए सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया से कि, किस लिए या तो वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में रहना चाहते थे या इसके अगेंस्ट में दोनों की हमेशा ही वॉर्स होती रही थी ठीक है फर्स्ट अटैक जिसने किया था इंडिया में वो थे मोहम्मद बिन कासिम सेवन सेंचुरी एडी में आए थे तभी से हमारा मिडाइवल इंडिया शुरू हो गया था ठीक है सेकेंड अटैकर थे हमारे इंडिया में मोहम्मद गजनी जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे जो पर्शिया को विन करने के लिए आना चाहते थे स्पेशली पर्शिया मीन्स जो ईरान प्रेजेंट टाइम में जिनको बोला जाता है ठीक है फर्स्ट इस्लामिक सेंटर ऑफ पावर जो था पर्शिया ही था ठीक है फिर एक्सपेंडेड एम्पायर अपन 60 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ओके okay? इस्लाम फिर पावर बन गई मतलब पहले जो था इस्लामिक सेंटर जो था पावर का सिर्फ पर्शिया में ही था लेकिन जैसे जैसे एक्सपैंड होता गया एम्पायर तो फिर पूरे वर्ल्ड में सिक्सटी परसेंट तक बढ़ गया था सिर्फ पहले पर्शिया तक ही था सीमित था फिर धीरे धीरे सिक्सटी परसेंट करके इंडिया वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया और इस्लाम जो है एक पावर बन गया है ओके okay? अब हम थोड़ा मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं के ही आने पर हमारा मेन मिडाइल इंडिया का पॉइंट मिडाइवल इंडिया का आ, टाइम शुरू हो गया था पर्पज़ क्या था इनके अटैक का एक्सट्रैक्शन ऑफ रिवेन्यू सिर्फ वो इंडिया से रिवेन्यू गैदर करके निकल जाना चाहते थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर अपना पॉलिटिकल स्टेट इस्टेब्लिश कर लें ठीक है सेवनटीन अटैक्स किए गए थे उनके द्वारा इंडिया में और वन जीरो फाइव अटैक्स तो सिर्फ सोमनाथ टेम्पल में ही कर दिए थे उन्होंने तो आपको ध्यान रखना है यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम दैट ही अटैक्ड मोस्टली ऑन सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात ओके okay. सबसे ज़्यादा अटैक कहीं किए तो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पर किए वाई बिकॉज ही प्लंडर्ड ऑल प्लंडर्ड द टेम्पल एंड डिस्ट्रॉयड द आइडल जितना भी उसके अंदर था सब कुछ वो लूट कर अपने अफगानिस्तान ले गए और आइडल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ तक कि इसीलिए उनका नाम बुत चिकन रखा गया बुद चिकन का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल एंड इफ यू सी एनी एनिक्वेशन लाइक दिस हु वॉज कॉल्ड द हु यूज टू बी कोल्ड बुट चिकन देन यू हैव द नेम मुहम्मद गजनी क्यों क्योंकि इन्होंने आइडल को डिस्ट्रॉय कर दिया था इसलिए इन्हें बुच्चिकल कहा जाने लगा था ठीक है लास्ट अटैक जो था वन जीरो टू सेवन में किया था इन्होंने अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ राज ठीक है और वन ज़ीरो थ्री जीरो में आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु भी अफ़गानिस्तान में ही हुई ठीक है टू इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जो मोहम्मद गजनी के टाइम पर उनके साथ आए थे कौन थे पहले तो अलबरूनी जिन्होंने बुक लिखी थी किताबुल हिंद प्लीज़ नॉट द नेम्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू मार्क फॉर यू ओके सब कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ अगर आप फिर भी उसे नहीं समझेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल एनी एग्जाम फॉर यू ओके देन अलबरूनी ने बुक लिखी थी किताबुल हिंद ठीक है बहुत ही पॉपुलर है और इसमें क्या था कि इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल या रिलीजियस या फिर जितने भी इससे पहले की कंडीशन थी इकोनॉमिक इंडिया के अंदर कैसे प्रॉस्पर था कि किस लिए उसको सोने की चिड़िया या नॉल कहा जाता था तो वो सब जो है किताबुल हिंद के अंदर है और यही एक ऐसा सोर्स है जिसे फर्स्ट सोर्स ऑफ मिडावल हिंदी हिस्ट्री कहते हैं तो ये आपका तो एक और नया क्वेश्चन बन गया कि विच बुक इज़ नॉन एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ द मिडावल हिस्ट्री तो यू हैव द नेम अलबरूनीज़ किताबुल हिंद ठीक है थीके? फिरदौसी फिर फिरदौसी फिर फिर दौसी भी आए थे उनके साथ फिरदौसी ने बुक लिखी थी शाहनामा फिर वन जीरो थ्री ज़ीरो में जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो फिर वन जीरो थ्री जीरो से वन वन सेवन फाइव तक ठीक है कोई मेज़र अटैक नहीं हुआ इंडिया में ठीक है अब हम सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे अब हमें ये जानना है कि वाई इज़ इट टर्म्ड सल्तनत मतलब सल्तनत क्यों कहा गया है सल्तनत जैसे दिल्ली सल्तनत आप जिसके बारे में पढ़ेंगे तो सल्तनत का रूल आ गया वट इज़ सल्तनत नाउ ठीक है क्यों सल्तनत ठीक है पहले से तो हम किंगडम यूज़ कर रहे थे डायनेस्टी यूज़ कर रहे थे लेकिन अब सल्तनत क्यों है देखो जितने भी इस्लामिक एम्पायर थे थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है पॉलिटिकल मतलब उन वो थे कैलिफ के अंडर ही थे सब ठीक है तो दिल्ली सल्तनत जो है हैड नेवर बीन एबल टू सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस विद कैलिफ़ कि कैलिफ के साथ रहकर दिल्ली सल्तनत जो है कभी भी अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रही थी ठीक है कैलिफ़ के अंडर उन्हें जो कैलिफ़ कहते थे वही करना पड़ता था पॉलिटिकली वो रूल नहीं कर पा रहे थे ठीक है मुगल एम्पायर में फिर बाबर ने जो रिजेक्ट कर दिया था पॉलिटिकल नोशन ऑफ कैलिफ जब बाबर आए तो उन्होंने जो है जो कैलिफ ने जो भी अपना रखे थे अपने रूल्स उसको रिजेक्ट कर दिया ठीक है और अपने आप को बादशाह का टाइटल दे दिया तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा हु वॉज़ नोन एज द बादशाह तो आपके पास आंसर होगा बाबर ठीक है बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए जाएंगे बाबर अकबर औरंगजेब शाहजहाँ तो आपको आंसर लगाना है बाबर ठीक है बाबर ने अपने आप को बादशाह नियुक्त कर दिया था और बादशाह का मतलब इक्वेलेंट टू कैलिफ ही होता है ठीक है फिर मोहम्मद गौरी जो थे बिकेम द रूलर ऑफ अफगानिस्तान इन 1175 वन सेवन क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद गजनी की तो मृत्यु हो गई तो कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ इंडिया में जो कि मेजर कहा जाए जिसे डिस्कस किया जाए मेडावल हिस्ट्री में लेकिन जब उन गजनी के बाद जो है एक मोहम्मद गौरी थे जो अफगानिस्तान के रूलर बने उन्होंने इंडिया में अटैक करना शुरू कर दिया ठीक है और उनका पर्पज़ ऑफ अटैक था पोलिटिकल एम्पायर इन इंडिया गौर गज़नी का क्या था सिर्फ प्लेंडर करना सब कुछ लूट कर अपने अफग़ानिस्तान ले जाना लेकिन इनका मोहम्मद गोरी का का पर्पज़ था कि वो जो भी कुछ चाहते थे वो इंडिया में ही करना चाहते थे पॉलिटिकल एम्पायर यहीं पर ही स्थापित करना चाहते थे अपना तो इसके लिए बैटल्स हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके ईयर्स भी याद कर लीजिए किस किस के बीच में हुआ ये भी याद करना है और कौन हारा कौन जीता है, ठीक है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन हुआ तराइन जिसे बोलते हैं तराइन तो वो पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर ने जो है गोरी को डिफीट कर दिया था उस युद्ध में ठीक है फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ जिसमें गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था और उन्हें पकड़ के किल्ड कर किल कर दिया था देखो इतनी ईजिली वो मरने वालों में से नहीं थे बट देवर सम सरकम्स्टांसिस दैट मेड हिम वर्स्ट ऑफ हिज लाइफ कि अभी मैं आपको बताऊँगी क्यों वो हारे क्योंकि चौहान जो डिफीट इसलिए हुए थे क्योंकि जो इंडियन स्टेट्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया था और जो जो थी उनकी नाइन्टी में जो थी आधी तो जनता हारी क्योंकि आधे सैनिक उनके बहुत ही थक चुके थे तो 92 टू में अचानक से एक और बैटल हो गया तो वो और भी थके हुए थे और किसी का उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो हार गए ठीक है पृथ्वीराज रासो चंद्र भरदाई जो थी कुछ बुक्स हैं जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हैं ठीक है इंपॉर्टेंट बुक्स है राइट दोज नेम्स ठीक है मैं थोड़ा सा रेज कर देती हूँ इसको ओके हाँ फिर हुआ बैटल जब जैसे गौरी की तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई फिर आए जयचंद्रा जयचंद्रा वन वन नाइन फोर में बैटल ऑफ चंद्रावर हुआ और उसमें जो है गौरी ने गौरी डिफीटेड एंड किल्ड गौरी ने जयचंद्रा को हरा दिया और उन्हें मार दिया जो कि कन्नौज का रूलर था और वहाँ पर रूल करना चाहता था अब देखो इनके बारे में भी एक बात है कि जयचंद्रा और पृथ्वीराज चौहान जो थे पॉलिटिकल राइवल्स थे ठीक है तो इसीलिए दोनों जो थे ऑल इंडिया रूल करना चाहते थे तो इसीलिए जब पृथ्वीराज चौहान पर बाहर के किसी आदमी ने अटैक किया तो अंदर के ही आदमी ने साथ देना छोड़ दिया कि ये मरे तो मैं जाकर वहाँ पर कब्ज़ा कर लूँ इसकी जगह पर मतलब फूड डालो और शासन करो की नीति इंडिया से ही शुरू होती है शासन क्यों कर रहे हैं दूसरे क्योंकि इंडिया में ही लोगों में वो चीज़ नहीं है जिसे एकता बोला जाता है अगर ये दोनों साथ हो जाते तो पहले उसको बाहर करते फिर चाहे दोनों लड़ते रहते लेकिन नहीं पहले उन्होंने अपना ही बंदा मरवाया फिर उससे लड़े और फिर खुद भी मर गए या yeah. तो जयचंद्रा और पृथ्वीराज चौहान जो थे पॉलिटिकल राइवल्स थे और दोनों ही ऑल इंडिया रूलर्स बनना चाहते थे इसीलिए जो है जयचंद्रा ने सपोर्ट नहीं किया पृथ्वीराज चौहान को जब सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुआ अब देखो कुतुबुद्दीन ऐवक जो थे वो अपॉइंट किए गए गोरी के जनरल एट लाहौर ठीक है क्योंकि गोरी तो अफगानिस्तान में ही रहते थे वहीं से ही अपनी कमांड करते थे पॉलिटिकल एम्पायर इंडिया में शुरू कर रखा था सब कुछ कर रखा था लेकिन कमांड अफगानिस्तान से ही देते थे तो उन्होंने अपने जनरल्स अपॉइंट कर रखे थे हर जगह तो गुतबुद्दीन ऐबक नाम थे जिनको लाहौर में अपॉइंट किया गया था अब 1206 ज़ीरो सिक्स में गोरी की मृत्यु हो गई ठीक है ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया ठीक है अब बच्चों मैं यहीं पर ही आपके लिए पोज करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको सेपरेटली बताऊँ अभी मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताना चाहती थी कि दिल्ली सल्तनत कैसे शुरू हुआ मिडावल इंडिया कैसे शुरू हुआ ठीक है तो दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड आपको पता चल गया और मिडावल हिस्ट्री की आपको स्टार्टिंग पता चल गई इसमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपको समझनी थी जैसे कब बैटल ऑफ द राइन हुआ कितने हुए किस किस के बीच में हुए क्या बुक्स आई बीच में चार बुक्स मैंने रीड कराई ये पृथ्वीराज राजो चंद्र भरदाई और आप के बारे में अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद और फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा और किताबुल हिंद क्या है एक फर्स्ट सोर्स ऑफ मिडावल हिस्ट्री भी कही जाती है ठीक है इसके अंदर सारी सोशो पोलिटिकल और रिलीजियस फॉर्म एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया है ठीक है और मैंने बताया मोहम्मद गजनी ने किस किस टाइम पर पर सबसे ज़्यादा बार अटैक किया और फर्स्ट ही थे जो फर्स्ट अटैकर था इंडिया में वो था मोहम्मद बिन कासिम गजनी के बारे में बताया लेकिन फर्स्ट अटैकर था मोहम्मद बिन कासिम ठीक है और मोहम्मद गज़नी के बारे में क्या था कि वो जो थे अफग़ानिस्तान के रूलर थे और पर्शिया को जीतना चाहते थे इंडिया में वो सिर्फ लूटपाट करने के मकसद से आए थे ठीक है वन जीरो थ्री जीरो में उनकी मृत्यु हो गई थी ओके फिर आए थे हमारे पास मोहम्मद गोरी और इससे पहले बाबर ने जो है कैलिफ़ के सारी पॉलिटिकल नोशन को रिजेक्ट कर दिया और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया जो कि कैलिफ के इक्वेलेंट थे थी, ठीक है मोहम्मद गोरी फिर बाद में जब गजनी की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान के रूलर बने तो उन्होंने इंडिया में अटैक करना शुरू कर दिया वन फाइव में वो तो स्थापित ही करना चाहते थे अपना पॉलिटिकल एम्पायर इन इंडिया में ठीक है जिसने पृथ्वीराज चौहान ने बहुत कोशिश भी की लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, गई? क्यों गई क्योंकि जयचंद्रा ने उनकी कोई हेल्प नहीं की और ना ही किसी और इंडियन स्टेट ने हेल्प की और जयचंद्रा ने भी इसलिए नहीं की क्योंकि वो खुद ही ऑल इंडिया रूलर बनना चाहते थे वो चाहते थे पहले पृथ्वीराज चौहान रास्ते से हटे फिर मैं गौरी से लड़के अपने आप को जिता दूंगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली हीसो गॉट किल्ड और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी के जनरल थे लाहौर में अपॉइंट किए गए थे वो जो है गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत फाउंड करने वाले मेंबर बने देखो मैंने आपको समरी भी बता दी पूरा स्लाइड बाय स्लाइड आपको डिस्कस भी करा दिया अब मिडेवल हि हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो गई वेरी इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है मिडेवल इंडिया कैसे राजा महाराजा थे क्या किया उन्होंने क्या क्या बनवाया कैसे बनवा बहुत इंटरेस्टेड होगा आपके लिए दिल्ली सल्तनत में क्या क्या है पाँच तरह की डायनेस्टीज़ है क्या है उनके अंदर मैं आपको सब कुछ स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस कराऊँगी आपको बस मेरा साथ देना है कि आपको बस एक काम करना है जो कि है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ठीक है सिर्फ आपको यही करना है और समझना है मेरी वीडियो को ध्यान से मैं वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रही बिकॉज आई वांट टू मोर वांट टू गेट द मोर सब्सक्राइबर्स मैं इसलिए वीडियो बना रही कि आपको भी समझ में आ है तो अगर लोगों को समझ आता रहेगा तो मेरे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली बढ़ते भी जाएंगे बट यू ऑल्सो हैव टू कोऑपरेट विद ऑल ऑफ अस ठीक है हमारी टीम छोटी सी है तो आपको हमारी इस छोटी सी टीम को थोड़ा सा बिग करना होगा तो प्लीज़ सपोर्ट अस थैंक यू सो मच